चलिए स्टार्ट। सो ड्यूरिंग फेब 23 का जो फर्स्ट हाफ है इन टुडेस क्लास, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फोर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन और वन ऑफ इट्स कंपाउंड्स आर गिवन। व्हिच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? यू शुड नो दैट डिसप्रोपोर्शनेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम ही एलिमेंट जो होता है वो रिड्यूस भी होते हैं और ऑक्सीडाइज भी होते हैं। लाइक तो आपको यहाँ पे पहली इक्वेशन नजर आ रही है इन विच नाइट्रिक एसिड इज रिएक्टिंग विद कैल्शियम कार्बोनेट और वो कैल्शियम नाइट्रेट CO2 और H2O बना रहे हैं। इसमें अगर आप देखोगे ना नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर और कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप देखोगे कि दोनों आपके पास यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं, दे आर एग्जैक्टली द सेम। तो ए इज आउट, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो रहा है आपके पास। और रही सी बात है डिस्प्रोपोर्शनेशन की, आपको चाहिए कि सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करे और यहाँ पे आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वन जो आपको नजर आ रहा है, ये जो ऊपर नजर आ रहा है, ये आपके पास एसिड और कार्बोनेट का टिपिकल रिएक्शन है। एसिड कार्बोनेट गिविंग यू सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन प्लस TH2 गिविंग यू 2NH3। इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि नाइट्रोजन का जो एलिमेंट है वो रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन का एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। लाइक थर्ड वन में आप देखोगे अमोनियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद NaOH, तो ये टिपिकल आप देख रहे हो एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है जिसमें अमोनिया रिलीज हो रहा है साथ NaCl और H2O। ये आपने नहीं किया रिलीज ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट, सी वो वाला रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लास्ट में आप चेक करो 2NO2 reacting with water to give you HNO3 and HNO2। अब 2NO2 में जो नाइट्रोजन है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ठीक है। अब चेक करो ये +4 से यहाँ पे क्या हो रहा है और +4 से यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड यू विल नोटिस समथिंग कि HNO3 के अंदर जो नाइट्रोजन है दैट हैज व्हाट, दैट हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +5। और HNO2 जो आपको नजर आ रहा है ना इसमें ये NO2-9 होता है, लाइक दिस ओवर हियर इज एन NO2-9। इस पे जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 आएगा, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे नाइट्रोजन जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था इन NO2 ऑन द रिएक्टेंट साइड, ये एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और यही एलिमेंट जो है वो रिड्यूस भी हो रहा है, लाइक एंड देयरफॉर ऑप्शन डी इज योर टिपिकल व्हाट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन द डायग्राम शोज द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। The gas takes part in a reaction with an activation energy EA. ये आपको reaction show किया हुआ है। Typical y-axis में number of particles with energy E और x-axis पर आपको energy दी हुई और activation energy भी labeled है। Which statement correctly describes the effect of an increase in temperature? You know that when the temperature increases, ये जो peak होती है, that will shift what rightwards and downwards, like आपका peak जो है वो basically shift हो जाता है, so that there is a greater number of particles that will now have energy rather than the activation energy. अब ए में लिखा हुआ है ऑप्शन ए में पीक पी विल बी हायर, तो आप वहीं कार जो हायर नहीं होगी लोअर होगी, लाइक इट विल डिस्प्लेस व्हाट डाउनवर्ड्स राइटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, लाइक तो पीक पी नीचे आ जाएगी। ऑप्शन बी में देखो लिखा हुआ है पीक पी विल बी हायर, काट दो लाइक। अब सी और डी में लिखा हुआ है पीक पी विल बी लोअर, दोनों सही लिखा हुआ है लाइक। लेट्स गो थ्रू द लैटर हाफ ऑफ द स्टेटमेंट बोथ ऑफ दीज ऑप्शन। तो पीक पी विल बी लोअर एंड फ्यूर मॉलिक्यूल्स विल हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये गलत लिखा हुआ है लाइक फ्यूर नहीं होंगे, मोर मॉलिक्यूल विल हैव एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल to activation energy, and therefore option D will be your answer. Next one, a student carries out 4 experiments to investigate the rate of reaction between 3 grams of calcium carbonate and hydrochloric acid. तो आपके पास reaction दिया हुआ है calcium carbonate HCl के साथ react कर रहे हैं और आपके पास जो है वो calcium chloride और CO2 और water बन रहे हैं। अब experiment 1 और 2 में आप देखो जो calcium carbonate powder है और जो HCl है वो डिटो सेम लिखे हुए नजर आ रहा है, लाइक कोई फर्क नहीं है, लाइक पाउडर्ड फॉर्म में है CaCO3 और जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है एट द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वो बिल्कुल आपके पास क्या दिए हैं, सेम दिए हैं। एक्सपेरिमेंट 3 में आपके पास पाउडर की बजाय लार्ज चिप्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, आपको पता है ये लार्ज चिप्स यूज करने की वजह से क्या होगा, क्या नाम है, सर्फेस एरिया कम हो जाएगा। 3 और 4 दोनों में लार्ज चिप्स हैं लाइक, और कॉन्सेंट्रेशन जो है एक्सपेरिमेंट 3 में वो 2 से 1 mole per dm³ कर दिए लाइक एट रूम टेम्परेचर, यानी अब आप 35 नहीं, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है बाय द वे, अगर आपको ये याद नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ, रूम टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज वॉट एज 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट 4 में लिखा हुआ है लार्ज चिप्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड 1 mole per dm³ HCl एट 35, तो इस वाले में टेम्परेचर तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से सेम है बट कॉन्सेंट्रेशन आपके पास हाफ कर दिया राइट, ठीक है। द स्टूडेंट कलेक्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड टाइम्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू प्रोड्यूस द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर ईच एक्सपेरिमेंट, व्हाट कुड बी द करेक्ट टाइम्स फॉर द 4 एक्सपेरिमेंट्स। तो वो पॉसिबल टाइम्स पूछा भी जो नीचे लिखे हैं उनमें से करेक्ट टाइम्स कौन से होंगे। तो पहले तो ये डिड्यूस कर लो
कि एक्सपेरिमेंट वन और टू फास्टर होगा. वाई? बिकॉज आप कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हो और कॉन्सेंट्रेशन भी हाई और टेम्परेचर भी हाईस्ट है ऑफ द वंस दैट आर गिवन ओवर हियर. तो आप एक्सपेक्ट करोगे वन और टू में एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी हो और टाइम रिकॉर्डेड क्या हो, बहुत कम हो. अब देखो एक्सपेरिमेंट वन और टू में जो आपके पास लीस्ट रिकॉर्डेड टाइम्स है ना, वो ऑप्शन ए में भी नजर आ रहा है 5 और 10, बी में भी नजर आ रहा है 5 और 10, सी नहीं हो सकता बिकॉज डिफरेंस टाइम में बहुत आ गया, कंडीशन बहुत सेम थी. तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल थोड़ा बहुत वेरिएशन लूँ भी तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो. और दूसरा ये भी है कि भाई जो आपने ये 2 मोल पर DMQ HCl यूज़ किया है ना दोनों केसेज में, आपको ये नहीं पता कितना वॉल्यूम यूज़ किया है. तो हो सकता है इन दोनों केसेज के अंदर वॉल्यूम चेंज होना, लाइक उससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl चेंज हो जाएंगे लाइक, तो उसकी वजह से भी हो सकता है वेरिएशन आ रही हो. बट जो आपको मेन फैक्टर्स दिए हैं वो दोनों में सेम है, तो मैं बहुत बड़ा डिफरेंस एक्सपेक्ट नहीं करूँगा लाइक. तो मैं ऑप्शन सी और डी ऑन द बेसिस ऑफ दैट आउट कर दूंगा. आई नो एक्सपेरिमेंट वन एंड टू शुड बी द फास्टेस्ट, और जो टाइम्स होंगे मैं उनको लाइक करीब करीब रखूंगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखूंगा टाइम्स के अंदर लाइक. तो 5 एंड 10 मैंने 1 और 2 के रख लिया. अब 3 एंड 4 अगर आप कंपेयर करोगे, तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा ना 3 एंड 4, एक तो ये वे स्लोअर होंगे तो ज़्यादा टाइम लेंगे उतना CO2 बनाने में, करेक्ट? बिकॉज आपके पास लार्ज चिप्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, कॉन्सेंट्रेशन भी कम है और टेम्परेचर एक में कम है और एक में उतना ही जितना 1 और 2 में था, तो मुझे इतना तो पता है ये स्लो होंगे. बट 3 और 4 में से ज़्यादा स्लो कौन सा होगा वो आपको कैसे पता चलेगा? बाय लुकिंग एट कि यहाँ पे टेम्परेचर आपको कम दिया हुआ है ना, 35 पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, 25 पे रेट कम होगा. तो आप एक्सपेक्ट करोगे लाइक एक्सपेरिमेंट 3 में उतनी CO2 बनाने में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा और एक्सपेरिमेंट 4 में आपको 1 और 2 से ज़्यादा लगेगा, बट 3 से क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा. सो इफ़ यू टेक ऑल ऑफ दीज सिनेरियोस इनटू अकाउंट, तो आप देखोगे भाई एक्सपेरिमेंट 3 और 4 में आपको जो ये वाला जो यहाँ सिनेरियो दिया हुआ है दैट सेटिस्फाइज विद द रिएजेंट्स दैट आर गिवन ओवर हियर, ये रॉन्ग है. वाई? बिकॉज इसके मुताबिक एक्सपेरिमेंट 4 में सबसे लेट रिएक्शन हो रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू. एक्सपेरिमेंट 3 में सबसे स्लो रिएक्शन होगा बिकॉज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है लाइक. तो यहाँ सबसे ज़्यादा टाइम आएगा और एक्सपेरिमेंट 4 में एक्सपेरिमेंट 3 से ज़्यादा टाइम आएगा. बेसिकली इसमें तुमने लॉजिकल जो डिडक्शन करनी थी वो क्या करनी थी कि 1 एंड 2 ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम्स तुम एक्सपेक्ट करोगे लाइक, एंड ये जो टाइम होगा दैट बी लेस देन वॉट द टाइम इन एक्सपेरिमेंट 4 विच विल बी लेस देन वॉट द टाइम इन एक्सपेरिमेंट 3. ये बेसिकली तुमने अपने यहाँ पे रिडक्शन निकालनी है लाइक, एंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स विद व्हाट, विद ऑप्शन बी इन दिस केस लाइक. ठीक है, नेक्स्ट वन, द टेबल शोज द पार्शियल प्रेशर्स. आई नीड योर हेल्प फॉर दिस कैलकुलेशन के लिए, तो प्लीज कैलकुलेटर्स निकाल लेना. द टेबल शोज द पार्शियल प्रेशर्स इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर्म बाय द हार्बर प्रोसेस. तो ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है 3H2 रिएक्टिंग विद N2 टू गिव यू 2NH3. ये जो दिए हुए ये पार्शियल प्रेशर्स हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर है. What is the numerical value of the equilibrium constant Kp? तो सिंपल है, आपने प्लग करना है, आंसर निकालना है लाइक. तो Kp will be equal to कितना है भैया अमोनिया का 4000 square divided by हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है 8000 cube times what times आपके पास नाइट्रोजन का कितना है 7000. ठीक है, एंड आई विल गिव यू योर आंसर. कोई बताएगा भाई कितना आंसर आ रहा है यार ये? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 4.46 × 10⁻¹⁹. तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वन, अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज शोन. तो आपको जो है वो रिएक्शन शो किया हुआ है यहाँ पे लाइक, एंड यू कैन सी दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. रिएक्शन भी गैसियस है और प्रोडक्ट भी गैसियस है. यू हैव 2 moles ऑफ गैसियस मोल, 2 moles ऑफ क्या नाम है गैसियस रिएक्टेंट एंड 3 moles ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स. Which change in conditions will move the position of the equilibrium to the right and increase the value of the equilibrium constant? Like, तो पूछा है भाई कौन सा ऐसा condition है इन चारों में से जो कि equilibrium position को right पे shift करेगा और Kc को increase करेगा. तो देखो Kc की value सिर्फ किससे change होती है, temperature से. तो temperature के अलावा जो भी option है सबसे पहले तो वो आप out कर दो लाइक. अब decide ये करना है temperature decrease करने से value increase होगी या temperature increase करने से value increase होगी. Simple है, forward reaction is endothermic. You know that for endothermic reaction to be favored, you want to have what? An increase in temperature. जब भी आप temperature increase करते हो forward endothermic side favor होती है. तो यहाँ पे forward reaction endothermic है, तो increase in temperature से forward reaction क्या होएगा? Favor होएगा और वो आपकी Kc की value क्या कर देगा? Increase कर देगा. And therefore option D will be your right answer in this case. The next one, the ore silomelane may be considered to have the general formula blah 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 blah. In this general formula, X plus and Y plus are the two different oxidation states of manganese in silomelane. What could be the values of X and Y? तो आपको यहाँ पे X और Y का value निकालना है. Question बहुत simple है, वैसे ही complicated तरीके से बना के आपको दे दिए लाइक. तो इसमें आप क्या करोगे,
आपको पता है भाई, ये ऑक्सीजन और ये OH ये एग्जिस्ट करेंगे एज व्हाट, एज नेगेटिव आयन्स, आपको ये पता है लाइक। और बाकी जो तीन दिए हैं, बेरियम और मैंगनीज के जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो पॉजिटिव आयन्स में होंगे लाइक। खैर उसने बेरियम का आपको पता है, बेरियम तो ग्रुप 2 मेटल है ना, तो ये सिर्फ 2+ लेता है और कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं ले सकता। मैंगनीज की मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इतनी है, लेकिन एग्जामिनर ने आपको आयन दे दिया भाई दोनों, और वो मल्टीपल जितनी भी होती हैं सब पॉजिटिव होती हैं बाय द वे। अगर आपको नहीं भी पता तो उसने लिख दिया आपको हेल्प करने के लिए कि ये भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, ये भी, ये जो दोनों है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। तो इसको आपको ज़्यादा इसमें क्या नाम है, टेंशन मत लेना। इसको करने का तरीका क्या है कि आप क्या लिखोगे कि ऑक्सीडेशन सिक्स, ऑक्सीजन जो है वो 16 है आपके पास, करेक्ट। तो ऑक्सीजन जो होता है जब कंपाउंड्स में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है इन यूजुअल कंपाउंड्स। तो ये कोई आप अज्यूम यही करोगे माइनस हुई है, तो 16 टाइम्स -2 करोगे तो कितना हो जाएगा, -32, करेक्ट। और एक हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो होता है -1, तो 4 हाइड्रोक्साइड आयन है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, -4। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, आप इफ आई वॉज टू ऐड दीज टू, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, -36। अब आपके जहन में क्या आना चाहिए कि ये जो पूरे आपके पास मेटल्स दिए हैं इनका टोटल जो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए +36। वाई? ताकि ये ओवरऑल कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल आए लाइक। तो आई कैन ईजीली राइट दैट बेरियम का जो +2 है, प्लस बेरियम का +2 और मैंगनीज का क्या दिया हुआ है, एक का है X+ और एक का है क्या Y+, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास मैंगनीज Y+, ये जो आपके पास है ना, ये पूरा जो मेटल्स का जो पूरा साइट है लाइक, दिस शुड बी इक्वल टू वॉट, +36, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू मेक क्या नाम है, न्यूट्रल कंपाउंड। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो भाई +2 प्लस एक्स प्लस, बस यहाँ पे ख्याल आपने ये रखना है, सॉरी मैंने यहाँ लगाया नहीं, ये MnY8 है, सही ना, +8Y, दैट शुड बी इक्वल टू वॉट, 36। इसका मतलब है एक्स प्लस 8Y शुड बी इक्वल टू वॉट, +34। ये आपकी आ गई भाई इक्वेशन। मैथ का पेपर तो है नहीं कि आपसे वो दो इक्वेशन बनाएं और फिर एक्स और वाई कैलकुलेट कराएं, तो अब आपने इसको करना किस तरह, सिंपल है। आप बस देखोगे अगर एक्स और वाई की आप ये इनमें से जो भी वैल्यू डालो तो 34 आपका जिस ऑप्शन में आंसर आ रहा है वो आप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आपको ये एक एक करके अब करना होगा। तो लेट से एक्स को मैं 2 डालूँ, ठीक है ना, तो पहला वाला आपको दिया हुआ है भाई ऑप्शन ए दिया हुआ है, एक्स इज 2, 2 + 8 × y विच इज 4। If you add them up, कितना हो जाएगा भाई, 8 4 32 + 2, बचत, तो बचत हो गई, हमारे टाइम की बचत हो गई। ऑप्शन ए इज देयर फॉर व्हाट इज देयर फॉर योर राइट आंसर। आप बाकी कोई भी कर लो, आप देखोगे ये सेटिस्फाइंग नहीं होगा, जो आपने ये लिखा है ना, दो आंसर तो सही नहीं हो सकते ना यार, एक ही आंसर सही होगा, तो ये सेटिस्फाइंग नहीं होगा, एंड देयरफॉर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, सिलिकॉन रिएक्ट्स विद अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एट 1200 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्टिंग विद कैल्शियम ऑक्साइड टू गिव एंड सिलिकॉन टू गिव यू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सिलिकेट। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? तो पूछा भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसके लिए करेक्ट। तो लेट्स गो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। कैल्शियम इज रिड्यूस्ड, अब आप चेक करो भाई कैल्शियम रिड्यूस हो रहा है या नहीं, +2 से ये +2 ही रह रहा है। कैल्शियम तो कंपाउंड में तो हमेशा, कैल्शियम की तो एक्सेप्शन नहीं होती ना कोई, जब भी कंपाउंड में होगा +2 ही होगा, याद रखो लाइक। तो यहाँ +2 है, इधर भी +2 ही होना जरूरी है, और 2 है तो ये टोटल +4 हो जाएगा दोनों कैल्शियम का, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए इज व्हाट आउट है, याद रखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल आपने पढ़ा हुआ है इन कंपाउंड, वो अपने जहन में रखो लाइक। ग्रुप 2 मेटल्स ग्रुप 1 मेटल्स जब भी कंपाउंड बनाएंगे लाइक, तो ग्रुप 2 वाले हमेशा ग्रुप 2 मेटल्स जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे विद एब्सोल्युटली नो एक्सेप्शन, समझ में आ गया। एंड ग्रुप 1 का भी यही सीन है। मैग्नीशियम बी में दिया हुआ है मैग्नीशियम इज रिड्यूस्ड एंड कैल्शियम इज, तो मैग्नीशियम इज रिड्यूस पर देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है लाइक, तो मैग्नीशियम +2 है यहाँ पे और मैग्नीशियम यहाँ पे 0 हो गया, बिल्कुल मैग्नीशियम इज रिड्यूस, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एंड कैल्शियम इज नीदर ऑक्सीडाइज नॉर रिड्यूस लाइक, तो कैल्शियम जो है वो दोनों में कंपाउंड्स में ही है, तो बिल्कुल ये आपको जो नजर आ रही है ये प्लॉजिबल स्टेटमेंट नजर आ रही है, जो स्टेटमेंट बी लिखी हुई है बिल्कुल प्लॉजिबल स्टेटमेंट है। लेट मी रीड थ्रू सी एंड डी ताकि आप बिल्कुल श्योर हो कि बी शुड बी योर राइट आंसर। मैग्नीशियम इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एंड सिलिकॉन इज नीदर ऑक्सीडाइज नॉर रिड्यूस, गलत, बिकॉज सिलिकॉन तो यहाँ 0 है ना, तो अब यहाँ कंपाउंड में आगे तो 0 तो नहीं होगा ना, तो ऑब्वियसली सही सी बात है सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। और डी में लिखा हुआ है सिलिकॉन इज रिड्यूस्ड एंड कैल्शियम इज नीदर ऑक्सीडाइज नॉर रिड्यूस लाइक,
सिलिकॉन रिड्यूस हुआ है या नहीं वो देखने के लिए आपको इसका चाहिए होगा, बहुत सिंपल है, मैं निकाल के दिखाता हूँ, बिकॉज हो सकता है ना कोई ऐसा पेपर है जिसमें आपको ये भी निकालने को बोले। तो कैल्शियम SiO4, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये कैसे निकालेंगे, कुछ कोई ऐसा मसला नहीं है। देखो कैटाइन जो है ना वो कैल्शियम है, करेक्ट, और दो कैल्शियम है आपके पास, तो 2Ca2+ है, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि SiO4 जो होगा ना लाइक टोटल मिला के दैट शुड बी व्हाट 4-, एंड अंडरस्टैंड व्हाई आई डिड दैट, बिकॉज ओवरऑल कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है लाइक आपके पास, करेक्ट, ऐसे ही ना ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है। तो कैल्शियम अगर 2+ है और वो दो हैं तो 2 × 2+ 4+ है, तो SiO4 टोटल क्या होना चाहिए, 4- होना चाहिए। अगर ये 4- आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 4 × −2 आपने किया −8, करेक्ट, सिलिकॉन क्या हो जाएगा +4, इसका मतलब है सिलिकॉन इज ऑक्सीडाइज, इट इज नॉट व्हाट रिड्यूस्ड हुआ है, तो सिलिकॉन यहाँ पे +4 होगा, तो सिलिकॉन रिड्यूस नहीं हुआ है, सिलिकॉन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। ये हमने वैसे ही गलत कर दिया था लाइक बिकॉज सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही थी, ऑप्शन बी इज द ओनली प्लॉजिबल ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन विच स्पीसीज इज देयर अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बहुत सिंपल है यार, ये अगर आप बना के करना चाहते हो आप बना के कर लो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है ना तो आप आराम से कर सकते हो। इसको करने का तरीका क्या है कि आप CH4 पकड़ो, समझ में आ गई, CH4 पकड़ो आप, और CH4 को अपना ग्राउंड बनाओ कि भाई इससे मैं बाकी चीज़ें बनाऊंगा लाइक, ठीक है ना, ये CH4 है, करेक्ट। अब CH4 के अंदर आप देखोगे तो चार आपके पास क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर है लाइक, तो इसमें लोन पेयर तो नहीं होता, तो वैसे ही काट दो ना CH4 अब काट दिया आपने। अब देखो CH4 से आप क्या क्या बना सकते हो, एक चीज़ ये बना सकते हो, मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा लाइक, ठीक है ना, एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप जो है होमोलिटिक फिजन करो, और जब होमोलिटिक फिजन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH3 रेडिकल आ जाएगा, जब आप CH3 रेडिकल करोगे तो यहाँ लोन पेयर नहीं है, यहाँ लोन इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नॉट अ लोन पेयर लाइक, तो आप जो CH3 यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना आप इसको काट दोगे, ऑप्शन ए आपका आउट हो गया लाइक। अगर आप फॉर एग्जाम्पल हेट्रोलिटिक फिजन करोगे लाइक, लेट्स से ये मैंने होमोलिटिक फिजन का सिनेरियो किया था, ठीक है, अगर आप हेट्रोलिटिक फिजन करोगे तो दो पॉसिबल सिनेरियो आपके पास आ सकते हैं लाइक हेट्रोलिटिक फिजन के, और वो दो पॉसिबल सिनेरियो इसके कलर चेंज करके कर लेते हैं लाइक। एक पॉसिबल सिनेरियो ये कि हेट्रोलिटिक फिजन करो आप, और आपके पास जो है वो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे रह जाएं, और कार्बन के अपना भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हाइड्रोजन ले जाए और H- बन जाए लाइक, ठीक है ना, एक ये सिनेरियो है। तो अब देखो ये जो CH3+ आपने बनाया है इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर लोन कुछ बचा ही नहीं है भाई, वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लूज हो गया है, H- बन गया आपके पास, लेट्स से इमेजिन करो हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन पे लोन पेयर होगा, CH3+ पे लोन पेयर नहीं होगा लाइक, तो ऑप्शन बी भी आपका क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, जो CH3+ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो CH3- ही आपका सही आंसर होगा, और वो क्यों होगा वही मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक, तो वो इसलिए हो जाएगा बिकॉज अगेन थर्ड केस सिनेरियो में भी मैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन कर रहा हूँ, और इस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं जो जो हाइड्रोजन है ना उसको H+ के फॉर्म में निकाल दूंगा, ठीक है, तो अगर H+ निकालूंगा तो यहाँ पे वो लोन पे रह जाएगा ना यार, और 3 हाइड्रोजन जो है वो वहीं पर ही रह जाएंगे लाइक, तो ये आपके पास बन जाएगा CH3-, बिकॉज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का आपने यहाँ पे रखा हुआ है लाइक, तो ये CH3- बन जाएगा और उसमें आपको कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर नजर आ जाएगा लाइक। ये बिल्कुल इस तरह बाय द वे, वो याद है HCN हम करते थे और उससे जो न्यूक्लियोफाइल आता था वो CN- आता था, और उसमें आप कार्बन के ऊपर लोन पेयर दिखा देते, ये डिट्टो वही वाली हेट्रोलिटिक फ्यूजन है जो आप देख लो, बट यहाँ CN स्पीसी नहीं है, ऐसी बात है, बस वो डिफर कर रहा है लाइक, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा दैट विल बी व्हाट, ऑप्शन सी इन दिस केस। आप जिस तरह मैंने यहाँ किए ना आप इसी तरह इसको क्वेश्चन को अप्रोच करो ताकि आपको समझ भी आए ना लाइक कि CH4 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, 4 बॉन्ड पे नो लोन पे, तो ये काट दिया आपने, अगर CH3 रेडिकल बनाओगे तो एक लोन इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर नहीं होगा लाइक, तो CH3 भी आपने आउट कर दिया। CH3 पॉजिटिव बनाओगे तो कोई लोन पेयर या लोन इलेक्ट्रॉन नहीं होगा लाइक, आपके पास हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगी और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेट्स से हाइड्रोजन ले जाएगा, तो यहाँ लोन पेयर होगा, नॉट ऑन CH3 पॉजिटिव लाइक, तो ये भी आउट हो जाएगा लाइक, एंड जो बच जाएगा वो CH3- होगा, वही आपका सही आंसर होगा, बिकॉज अगेन हेट्रोलिटिक फ्यूजन करो, बट इस दफा ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दो, हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकाल दो, तो ये कार्बन के ऊपर लोन पेयर आ जाएगा। कुछ तो सही करते हो ना, तो टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, हाई से हाई, प्रेशर क्या होना चाहिए, लो से लो, तो आपके पास जो है ऑप्शन बी विल बिकम द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द इक्वेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज शोन, ऑल सब्सटेंसेस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, तो आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है।
ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है और ज़ेनॉन ट्राईऑक्साइड और हेक्साफ्लोराइड वो सिक्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड बन रहा है सॉरी. सो विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन. वो पूछ रहे भाई अगर आप यहाँ पे लिखो डेल्टा एच तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो इस डेल्टा एच को सेटिस्फाई करेगी. सो लेट्स गो थ्रू द ऑप्शन. द एंथैल्पी चेंज व्हेन अ टोटल ऑफ वन मोल ऑफ प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड. हमने वन मोल ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनाया, हमने कितने बनाए सेवन मोल ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए लाइक. तो ये आउट हो गया आपके पास. बी द एंथैल्पी चेंज व्हेन अ टोटल ऑफ वन मोल ऑफ रिएक्टेंट्स इज रिएक्टेड. ये भी गलत है बिकॉज हमने वन मोल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं किया, हमने फोर मोल ऑफ रिएक्टेंट्स जो है रिएक्ट करें. तो बी भी आउट. सी द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ वाटर रिएक्ट्स. वन मोल ऑफ वाटर नहीं है, थ्री मोल्स ऑफ वाटर जो रिएक्ट कर रहे हैं लाइक. तो ये भी आउट. अब एक ही रह गया, यही सही होगा. द एंथैल्पी चेंज व्हेन सिक्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रोड्यूस एंड दैट इज करेक्ट. लाइक आपके पास इक्वेशन में सिक्स एच एफ बन रहा है एंड देयरफॉर ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर. प्लीज डोंट रीड दिस एज द एंथैल्पी चेंज ऑफ लाइक वो फॉर्मिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिक्स मोल्स, ऐसा नहीं लिखा. बस ने कहा एंथैल्पी चेंज व्हेन सिक्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड लाइक. तो इक्वेशन में बन रहे हैं ना भाई सिक्स एच एफ लाइक, तो वो बनने के लिए जो टोटल एनर्जी चेंज आई होगा वही इस रिएक्शन में वही डेल्टा एच का वैल्यू भी होगा लाइक. तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट वन, मोल्टेन एल्युमिनियम क्लोराइड has a simple molecular structure. Each molecule consists of two aluminium atoms and six chlorine atoms. ठीक है, आपको पता है ये, उसने बस लिख के दे दिया आपको Al2Cl6 like. ठीक है, which statement is correct? गौर से सुनना, सही है. A, all the chlorine atoms in 1 gram of molten aluminium chloride have the same mass. अब देखो ये जो सारे chlorine atoms होते हैं ना लाइक 1 gram of molten aluminium chloride में, हम जो क्लोरीन का ए आर लेते हैं वो एवरेज होता है लाइक. तो जाहिर सी बात है भाई ये सारे उसी वक्त ही सेम होते कि अगर क्लोरीन का आइसोटोप एक ही होता लाइक, जो कि नहीं होता. क्लोरीन का आइसोटोप जो होते हैं वो दो होते हैं लाइक. तो हो सकता है भाई 35 भी हो 37 भी हो, वो हम कैलकुलेशन के लिए जो ए आर लेते हैं वो 35.5 होता है लाइक. समझ में आ रहा है लाइक. तो ऑप्शन ए वॉज द मोस्ट, आई थिंक वो आई नहीं है अभी इसकी एग्जाम बोर्ड, बट आई एम प्रीटी श्योर दिस वुड हैव बीन व्हाट, दिस वुड हैव बीन अ गुड डिस्ट्रैक्टर क्या नाम है अमंगस्ट द ऑप्शंस गिवन. B दिया हुआ है 1 mole of molten aluminium chloride contains 6.02 × 10²³ aluminium atoms like. This is wrong. Why? Because 1 mole of molten aluminium chloride जो होगा उसमें जाहिर सी बात है, let's say मैं बोलूँ one mole of Al2Cl6 में कितने molecules of Al2Cl6 होंगे, तो वो आप बोलोगे 6.02 × 10²³ molecules of Al2Cl6 करेक्ट. बट हर मॉलिक्यूल में दो एल्यूमिनियम है ना, तो 2 × 6.02 × 10²³ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम हो जाएंगे. तो ये जो बी है वो रॉन्ग है और इसका सही आंसर होता 2 × 6.02 × 10²³. ठीक है, सीधी आवे 1 mole of molten aluminium chloride contains 3.61 × 10²² chlorine atoms. तो बहुत सिंपल है. आई एम होपिंग कि जो मैंने ऊपर आपको लिख के दिया उससे आप ये खुद डिड्यूस कर सकते हो लाइक. बिकॉज 1 mole ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड में 6.02 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2Cl6 होंगे. तो मैं पूछूंगा ना क्लोरीन के कितने एटम्स होंगे, तो बहुत सिंपल होगा. आप क्या लिखोगे, 6 × 6.02 × 10²³ लाइक. एंड इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल सी दैट द नंबर विल टर्न आउट टू बी व्हाट, 3.61. आप कर लो ना 6636 होता है, 36 × 10²³ विल बी 3.6 अप्रॉक्सीमेटली इनटू और 10²². तो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस. मैं फिर भी डी पढ़ लेता हूँ ताकि आप श्योर हो. द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मोल्टन एल्युमिनियम क्लोराइड इज Al2Cl6. नो इट इज नॉट, इट इज वॉट AlCl. एम्पिरिकल तो सिंपलेस्ट होता है ना यार, तो वो क्या हो जाएगा AlCl3 हो जाएगा लाइक. देयरफॉर ऑप्शन डी इज वॉट, इज योर रॉन्ग आंसर है लाइक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एटम कंटेन्स 4 times एज मेनी न्यूट्रॉन्स एज द लिथियम एटम. तो पहले तो न्यूट्रॉन निकाल लो, इसके अंदर जो है वो 4 neutrons है करेक्ट. 7 - 3 आपने किया, 4 neutrons है. तो आपने वो वाला ऑप्शन पिक करना है जिसमें आपको 16 neutrons नजर आ जाए लाइक. लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस वन बाय वन. तो 40 - 20 आप करेंगे तो आपके पास 20 neutrons आएंगे, ये 5 times हो गए लाइक. आपको 4 times चाहिए. 24 - 12 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 12 neutrons, तो ये 3 times हो गए. 31 - 15 करेंगे तो ये हो जाएंगे 16 neutrons. दिस इज 4 times द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो ऊपर दिया हुआ है आपको. तो दिस शुड बी राइट. मैं लास्ट भी कर लेता हूँ, 26 - 14
कितना बन रहा है फ्रेंड्स, 12 न्यूट्रॉन, तो ये भी 3 टाइम्स होगा. तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर इन दिस केस. ठीक है, नेक्स्ट वन. विच स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ मैग्नीशियम एंड नियॉन आर करेक्ट. ठीक है, तो पहले तो मैग्नीशियम और नियॉन को ना थोड़ा सा वो कर लो, अपने जहन में ले आओ, सामने पीरियड टेबल रखो और देखो. नियॉन पीरियड 2 का आखिरी एलिमेंट है, समझ में आ गई? पीरियड 2 का आखिरी एलिमेंट है नियॉन, लाइक नोबल गैस है वो भी, ये भी याद रखो. और मैग्नीशियम जो होता है वो पीरियड 3 का दूसरा एलिमेंट है. यानी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास जो है वो आपको दिखाऊंगा, पता नहीं आपको ये याद है कि नहीं, अगर मैं पीरियड 2 का वो बनाऊँ आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, तो वो कुछ इस तरह आपको नजर आएगा ना, लाइक पहला एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट, बल्कि वो ग्राफ ना है तो इस तरह का ग्राफ आपको नजर आएगा, इस तरह का आपको ग्राफ नजर आएगा, लाइक याद है आपको. और फिर यहाँ पे पीरियड 2 में यहाँ पे लेट्स से नियॉन है, तो फिर ये एकदम से गिरेगा जब ये नेक्स्ट पीरियड में जाएगा, लाइक ठीक है ना. और यहाँ पे आपके पास फिर होगा सोडियम, फिर सोडियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, और फिर दोबारा वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. तो आप अगर आपको अगर ये स्केच याद है ना, लाइक ऑफ प्रोटॉन नंबर एंड आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, तो आपको ये ज़रूर शोर होगा कि नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी, लाइक अच्छी खासी ज़्यादा होगी, लाइक. तो विच स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ मैग्नीशियम एंड नियॉन इज करेक्ट. तो आपको पता है नियॉन जो है उसका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए. तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मैग्नीशियम हैज द ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू. आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, काट दो आप इस ऑप्शन को, लाइक ठीक है, इट डजंट, इट हैज अ लोअर वैल्यू, लाइक. बी लिखा हुआ है मैग्नीशियम हैज द ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू, वो भी काट दो आप. सी और डी में आपके पास जो चीज़ दी हुई वो आपके मतलब की है. सी में दिया हुआ है नियॉन हैज अ ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सो एंड डी. सिर्फ लैटर हाफ ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो मुख्तलिफ है, उसमें से आपने सही वाला पिक करना है. तो सी में दिया हुआ है नियॉन हैज अ ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड बोथ आर एंडोथर्मिक. जाहिर सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है यार, आपको बस एनर्जी देनी पड़ती है इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर. डी में एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है एंड दैट इज व्हाट रॉन्ग. आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो याद रखो कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं होती. आयनाइजेशन एनर्जीज आर द एनर्जीज दैट यू नीड टू गिव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस. तो ये हमेशा क्या होती हैं, एंडोथर्मिक वैल्यूज होती हैं, ये भी ध्यान में रखना. नेक्स्ट वन. In a sample of pure water, what is the maximum number of hydrogen bonds then one molecule of water can be involved in? So in this case, the keyword which I think they should have written in bold, what the maximum number of hydrogen bonds. So देखो maximum possible number of hydrogen bonds कितने बन सकते हैं कि आपके पास ये है water molecule, correct? और water molecule में जो oxygen होता है उसके पास क्या होते हैं, दो lone pair होते हैं, correct? अब ये जो दो लोन पेयर्स हैं दे कैन बी एंगेज इन व्हाट एन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक. अब वो इंटेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनेगा, दैट इज नॉट ऑफ रिलेवेंस, लाइक कि भाई एक ही लोन पेयर एक्चुअली बनाता है दूसरा, दैट इज नॉट ऑफ क्वेश्चन हियर. बट लाइक दोनों अवेलेबल हैं टू मेक व्हाट हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एंड दूसरा तीसरा और चौथा कहूँगा कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं दे कैन पार्टिसिपेट इन वॉर इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, लाइक. तो आपके पास जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हो सकता है ना लाइफ यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक दिस वॉज द की वर्ड दैट शुड हैव रिटन इन बोल्ड, वो क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4. तो आप मैक्सिमम जो बना सकते हो वो एक्चुअली कितने बना सकते हो, 4 बना सकते हो. अब इन रियलिटी जब आप ये लाइक लिक्विड वाटर होता है हम उस वक्त एवरेज नंबर लेते हैं, लाइक जो कि क्या होता है, लाइक कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में मैक्सिमम 4 बन सकते हैं, लाइक. तो हमने 4/2 किया और हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गया, लाइक. बट ऑब्वियसली लाइक वो दैट्स एंड इन रियलिटी लाइक जो एक्चुअल सिनेरियो होता है वो उसी से करीब होता है. बट द मैक्सिमम नंबर पॉसिबल बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज व्हाट, दैट इज 4 इन दिस केस, लाइक. आई एम प्रीटी श्योर इसकी एग्जाम रिपोर्ट आई नहीं है, बट आई पर्सनली फील बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर जो है वो बी मार्क किया. वो जब आएगी तो फिर देखेंगे, अभी तक नहीं आई है, लाइक. नेक्स्ट वन. हाइड्रेटेड कोबाल्ट टू सल्फेट लूजेस वाटर when heated to give anhydrous cobalt to sulfate, all the water of crystallization is lost to the atmosphere as steam. When 3.1 grams of hydrated cobalt to sulfate COSO4.XH2O is heated to constant mass, the loss in mass is 1.39 grams. यानी जो पानी इसमें से निकला है ना उसका total mass 1.39 होगा. वो पूछ रहा है what is the value of X to the nearest whole number. तो बहुत simple सवाल है, like इसमें मैं चाहता हूँ कोई एक बच्चा प्लीज जरा कोबाल्ट टू सल्फेट का एमआर निकाल ले और दूसरा बच्चा मेरे साथ थोड़ा सा हेल्प कर दे, लाइक. तो हमें चाहिए होगा कोबाल्ट सल्फेट का मास कितना है, लाइक, और हमें चाहिए होगा H2O का मास कितना है, करेक्ट.
आपके पास जो H2O का मास आया है वो इस एंड आपको बता दिया लॉसन मास इज 1.39, तो ये आया है करेक्ट। और जो कोबाल्ट सल्फेट का मास रह जाएगा वो होगा 3.1 माइनस 1.39। ये कितना आ रहा है यार, 3.1 माइनस 1.39, हाँ 1.7। बस अब आपने करना क्या है, बहुत सिंपल है। आपको पता है भाई इस पूरे सॉल्ट में फॉर एवरी मोल ऑफ कोबाल्ट सल्फेट, यानी अगर मैं 1 COOSO4 लूँ कितने H2 हैं, ये निकालना है। तो मोल रेशियो बस आपने निकालना है लाइक, तो 1.71 डिवाइड बाय MR करो और 1.39 डिवाइड बाय MR करो, तो 1.71 डिवाइड बाय जो भी इसका हमारा है और 1.39 डिवाइड बाय 18। कोई बताया गया कोबाल्ट सल्फेट का क्या है MR है यार, कोई प्लीज देख लेगा जरा कोबाल्ट सल्फेट का। सो जो MR आ रहा है कोबाल्ट सल्फेट का दैट इज 165। कैन एनीबॉडी नाउ प्लीज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, 155। कैन एनीबॉडी नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, 1.71 डिवाइड बाय 155 कितना आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, 11। और ये कितना आ रहा है वाटर का, 1.39 डिवाइड बाय 18 0.077। तो इसको आप डिवाइड कर लो बाय द सिंपलेस्ट वन लाने के लिए ना, आप इसको जो है 0.011 से डिवाइड कर लो और इसको भी 0.011 से डिवाइड कर लो। सो इफ यू डू दैट 0.011 और इसको भी 0.011, तो आपके पास जो रेशियो आ रहा है दैट टर्न्स आउट टू बी व्हाट, 1:7 लाइक। तो आपको मिल जाएगा भाई वाटर की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं पर मोल ऑफ कोबाल्ट सल्फेट वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एंड ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट वन, द टेबल शोज बॉन्ड एनर्जीज फॉर सम डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ड्यूटेरियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन लाइक। तो आपको जो है वो कुछ बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है, सब एंडोथर्मिक वैल्यूज हैं। व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैव एग्जैक्ट वैल्यूज फॉर देयर बॉन्ड एनर्जीज व्हिच आर ऑलवेज पॉजिटिव लाइक, एंड दैट इज ट्रू, व्हाई, बिकॉज डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं आता है लाइक, इसलिए एग्जैक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि दो ही एटम्स होते हैं जो कि बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, कोई बहुत सारे तो नहीं होते ना लाइक। तो डायटॉमिक का मतलब ही है ना कि कंपाउंड, वो जो मॉलिक्यूल है उसमें दो ही एटम्स हैं, तो आप बॉन्ड तोड़ते हो और जो भी वैल्यू आती है वो आपकी क्या बन जाती है, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बन जाती है। तो स्टेटमेंट वन इज एक्चुअली करेक्ट, इसमें कॉन्सेप्ट जो था ना जो उसने लिखा है एग्जैक्ट वैल्यूज लाइक, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसको कंपेयर करोगे विद एवरेज वैल्यूज। एवरेज वैल्यूज का बात है, फॉर एग्जांपल अगर CH4 होता लाइक, ठीक है ना, और इसको आप तोड़ते तो एक सी बनाते प्लस 4H बनाते, इसमें आपने एक CH बॉन्ड नहीं तोड़ा है, 4 CH बॉन्ड तोड़े हैं, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी फिर क्या होती है कि जो टोटल एनर्जी आती है उसको डिवाइड बाय 4 कर देते हैं आप लाइक, वो डायटॉमिक में करने की नीड नहीं होती है लाइक। आपको ये बेसिकली ये स्टेटमेंट वन का जो क्या नाम है तशरी आपको बता रहा हूँ, वो तशरी है, सही है, समरी है। टू, द ट्रेंड इन ग्रुप 7 बॉन्ड एनर्जीज कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेरिएशन इन आईडी forces absolutely wrong, why, because yaad rakho bond energy ka taluq intermolecular forces se nahi hota, bond energy ka taluq intramolecular bond se hota hai like, to let's say aapke paas jo hai wo ye hai bhai ek halogen molecule aur ye hai dusra halogen molecule like, aur inke beech mein let's say ye id forces hai, ye jo hai na inke beech mein id forces hai jo blue color ki hai, ye id forces hai like, to bond energy ke liye ye thodi todna hota hai yaar, aapko bond energy ke liye ye todna hota hai na aapko। स्टेटमेंट टू में जो लिखा हुआ है द ट्रेंड इन ग्रुप 7 बॉन्ड एनर्जीज कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेरिएशन इन आईडीआईडी दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वेरिएशन इन आईडीआईडी फोर्सेस अफेक्ट्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, वो चीजें अफेक्ट करेगा लाइक, तो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। सो वन इज करेक्ट एंड टू इज रॉन्ग, जिससे आपने बोल लिया कि बी और डी रॉन्ग है लाइक, तो 3 भी पढ़ना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं हुआ यार, चलो 3 पढ़े अभी। अ वैल्यू फॉर द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन बिटवीन ड्यूटेरियम एंड क्लोरीन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस डेटा अलोन लाइक, तो देखो ड्यूटेरियम ये है, ड्यूटेरियम एंड व्हाट, क्लोरीन ये है, ठीक है ना, जब आप इसको रिएक्ट करोगे बिल्कुल इस तरह जिस तरह H2 और Cl2 है, तो आप बनाओगे 2DCl करेक्ट। अगर फॉर मैं इसको H2 लेता H2 प्लस Cl2, तो आप लिखते 2HCl, तो मैंने H2 की जगह D2 लिख दिया, बस वो बिल्कुल डिटो वही रिएक्शन है। तो कैन वी फाइंड आउट द डेल्टा H, कैन वी फाइंड आउट द डेल्टा H यूजिंग द डेटा इन द टेबल, ये सवाल है लाइक। तो यहाँ पे 3 में ही लिखा हुआ है कि आप मालूम कर सकते हो, तो हमें ये असर्टन करना है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन के भी कर, ये स्टेटमेंट 3 में जो लिखा है कि आप मालूम कर सकते हो सही है गलत, तो बहुत आसान है। मुझे चाहिए टू कैलकुलेट दिस डेल्टा एच, मुझे चाहिए 3 चीज़ें,
और वो तीन चीज़ें क्या हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ डी सी एल, बिकॉज डी सी एल मैं बनाऊँगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ डी टू जो कि डी डी होगा, एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ वॉल्ड ऑफ सी एल टू, करेक्ट। ये मुझे तीन चीज़ें चाहिए होंगी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डेल्टा एच। लाइक अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टेबल देखोगे ना, अगर आप टेबल देखो तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ डी टू आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एल, सी एल भी आपको दिया हुआ है, बट ये चीज़ आपको नहीं दी गई है, इसलिए आप डेल्टा एच नहीं निकाल सकते, इसलिए स्टेटमेंट सी विल बी रॉन्ग एंड ऑप्शन ए विल बिकम वॉल्ड बिकम योर राइट आंसर इन दिस। ठीक है, नेक्स्ट वन, टू प्रोसीजर्स आर डिस्क्राइब्ड, दो प्रोसीजर आपको दिए हैं, सल्फर इज बर्न इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड देन एनओ इज एडेड टू व्हाट, टू द प्रोडक्ट मिक्सचर, फिर लिखा हुआ सल्फर इज बर्न इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड देन एनओ टू इज एडेड टू द प्रोडक्ट मिक्सचर, विच प्रोसीजर विल प्रोड्यूस सम सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखो दोनों में ना आपने यूज किया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं क्या यूज किया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और एक में आपने जो है वो क्या नाम है कैटलिस्ट जो एनओ टू हम यूज करते हैं वो भी यूज किया, और एक में आपने यूज किया एनओ, ठीक है ना। लाइक तो ये देखो यार, जब आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हो ना और उसके प्रेजेंस में सल्फर को बर्न करते हो लाइक, तो प्लीज रिमेंबर व्हेन ऑक्सीजन इज इन एक्सेस यू विल इवेंचुअली एबल टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। हाँ, कितना बनाओगे ये नहीं बोला उसने, लिखा है सम सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन दिस केस यू विल बी एबल टू मेक वे मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड इन दिस केस, बिकॉज यहाँ पे आपके पास एनओ टू कैटलिस्ट होगा। लाइक एनओ डजंट सर्व एज अ कैटलिस्ट, बिकॉज जब सल्फर डाइऑक्साइड, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं ना एनओ टू के साथ, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस एनओ बनता था, आपको याद है लाइक, तो आपके पास जो कैटलिस्ट होता है वो ये एनओ टू होता है। एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट कि आप उसको एनओ टू लो, बिकॉज देखो सल्फर जो है ना वो यहाँ पे प्लस फोर से जाता है प्लस सिक्स, करेक्ट, और नाइट्रोजन जाता है आपके पास यहाँ पे प्लस फोर से प्लस टू, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है जो आप देख रहे हो जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा होता है। तो अगर मैं एनओ यहाँ डाल दूँ तो भाई आप दोनों चीज़ों को तो नहीं कर सकते ना, क्या नाम है ऑक्सीडाइज, तो आपको जाहिर सी बात है लाइक जो कैटलिस्ट यूज़ करना होता है वो एनओ टू यहाँ पे यूज़ करना होता है। आपने पढ़ा भी यही है कि एसओ टू के साथ जो कैटलिस्ट होता है वो एनओ टू होता है लाइक, फिर ये एनओ बनता है एज अ प्रोडक्ट और एनओ फिर हाफ ओ टू के साथ रिएक्ट करके दोबारा एनओ टू बना देता है लाइक। पर यहाँ पे क्या चाहिए था कि उसने पूछा प्रोड्यूस सम सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो जब आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के में सल्फर को बर्न करोगे तो थोड़ा बहुत सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों केसेस में वैसे ही बन जाएगा लाइक, बस ये है कि जो दूसरा वाला केस दिया हुआ उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आप एसओ थ्री बना लोगे लाइक, सो बोथ वन एंड टू विल बी व्हाट विल बी करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट वन, पाउडर पी इज अ मिक्सचर कंटेनिंग टू ऑफ AgCl, AgBr और AgI, इन तीनों में से कोई दो चीज़ें हैं इस पाउडर पी के अंदर, सो पाउडर पी कुड बी दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस और कोई कॉम्बिनेशन छोड़ी है मैंने, आई थिंक सारी बोल दी है। सो पी इज शेकन विद डाइल्यूट एक्वस अमोनिया एंड अ येलो सॉलिड क्यू रिमेन्स लाइक, तो आप बहुत सिंपल है, आपने डाइल्यूट एक्वस अमोनिया डाला और येलो सॉलिड रह गए, तो ये येलो सॉलिड जो है वो किसका होएगा आपके पास, क्या नाम है किस वजह से आएगा, बिकॉज ऑफ द आयोडाइड आयन रहेगा, आपको ये पता है, बिकॉज आपको पता है सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में डिजोल्व नहीं करता है ना आपके पास, तो आपके पास जो है वो येलो सॉलिड आ जाएगा, तो ये आप श्योर हो कि दिस ओवर हियर इज व्हाट दैट इज सिल्वर आयोडाइड, तो एक चीज़ तो आपने श्योर कर लिया लाइक। अब इन दोनों में से कौन सा आपको नहीं पता, इन दोनों में से भी कोई ना कोई चीज़ होगी लाइक, अभी आपको श्योर नहीं हो, लेट्स रीड थ्रू इट ताकि आप श्योर हो। द मिक्सचर इज फिल्टर्ड एंड क्यू इज वॉश्ड एंड ड्राइड, तो आपने मिक्सचर को फिल्टर किया और ये जो प्रेसिपिटेट है ना इसको आपने वॉश करके ड्राई कर लिया, सिल्वर आयोडाइड आपके पास आ गया। अब फिल्ट्रेट जो क्या नाम है नीचे गया है बीकर के अंदर जब आपने फिल्टर या टेस्ट ट्यूब जिसमें भी आपने फिल्ट्रेशन किया, द फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड, उस फिल्ट्रेट के अंदर जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, अगर वो फिल्ट्रेट आ गया ना तो मैं थोड़ा सा ये ज़रूर अपने जहन में बिठा लूँगा लाइक, कि आपको याद होगा AgBr जो है ना वो डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में क्या नाम है डिजॉल्व नहीं करता है, कॉन्सेंट्रेटेड में करता है लाइक, तो मुझे थोड़ा सा हिंट यहीं से मिल जाएगा भाई कि ये फिल्ट्रेट के अंदर क्या होएगा, हेलाइड आयन क्लोराइड आयन होगा, तो फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड एंड, और वो प्रूफ कैसे होगा बाय नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड एंड ट्रीटेड विद एक्वस नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस अ वाइट PPDr व्हिच इज फिल्टर्ड ऑफ वॉश्ड एंड ड्राइड। अभी जो वाइट PPDr है ना वो एक्चुअली AgCl बना है लाइक, क्रीम होता तो मैं AgBr बोल देता, खैर वो डिजोल्व डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में नहीं करता, वो PPD में ही आपके पास आ जाता है लाइक। अब उसका QNR और वॉन्ड
सेपरेटली विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और आपको आपने आइडेंटिटी दोनों की निकाली है, क्यू आपने ये निकाला है, आर आपने ये निकाला है, लाइक विच ऑब्जर्वेशन आर मेड. तो क्यू प्लस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जब आप डालोगे तो जाहिर सी बात है भाई क्यू में आयोडाइड आयन है, तो आयोडाइड आयन आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये खुद ऑक्सीडाइज होकर वॉयलेट फ्यूम्स बना लेंगे, लाइक पर्पल कलर जो फ्यूम्स आप बोलते हो लाइक. तो दिस विल बी ऑप्शन ए एंड बी आपको चाहिए होगा, तो सी और डी आपके पास आउट हो गया लाइक. एंड बी के अंदर जो सॉरी सेकेंड कॉलम के अंदर जिसमें आर को रिएक्ट करो वहाँ हेलाइड एंड क्लोराइड है लाइक, इसमें आप एक्सपेक्ट करोगे वो जो मिस्टी फ्यूम्स आती हैं वो आपके पास है ना, आप बस फ्यूम्स याद कर लो एंड दैट विल बी फाइन लाइक. तो वो आपके पास सेकेंड कॉलम में यहाँ लिखा हुआ है, एंड देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट वन, टू पीरियड थ्री एलिमेंट्स एक्स एंड वाई बर्न सेपरेटली इन ऑक्सीजन टू फॉर्म सॉलिड ऑक्साइड्स. तो दो पीरियड थ्री के एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई जिनको ऑक्सीजन में आपने बर्न किया और उनकी सॉलिड ऑक्साइड बन गई है लाइक, ठीक है ना. अब सॉलिड ऑक्साइड उसने क्यों लिखा है यार, थोड़ा सा ना आप स्मार्ट बनोगे लाइक. आपको पता है कि जो सल्फर की ऑक्साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, करेक्ट. अगर आप क्रॉस पीरियड थ्री जाओ तो सोडियम मैग्नीशियम, मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पे यार सॉरी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फरस एंड सल्फर. तो आपको ये पता है कि सल्फर की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो दोनों की दोनों SO2 SO3 दोनों की दोनों क्या होती हैं, वो आपके पास गैसेस होती हैं लाइक. तो सल्फर तो हो ही नहीं सकता लाइक, ठीक है ना. पीरियड जो आपके पास एलिमेंट एक्स और वाई है ये सल्फर नहीं हो सकता लाइक, आपको समझ में आ गई लाइक. बाकी सब पॉसिबल है लाइक, जो सोडियम से लेके फॉस्फरस तक पॉसिबल है, सल्फर आप आउट कर दोगे. तो एक ऑप्शन में आपको नीचे सल्फर नजर आ रहा है, आप उसको वैसे ही आउट कर दो लाइक, नजर आ रहा है आप आउट कर दो उसको लाइक. अब देखो क्या बोल रहे हो, द ऑक्साइड ऑफ एक्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर. क्या बोला, द ऑक्साइड ऑफ एक्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर. आपको पता है इन सब ऑक्साइड में से दो ऑक्साइड इनसॉल्युबल है वाटर में, और वो कौन सी है, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, करेक्ट. ये दो आपको पता है इनसॉल्युबल लाइक. तो एक्स आपको पता है एल्यूमिनियम या सिलिकॉन होगा लाइक, आपने ये श्योरिटी से बोल दिया एक्स एल्यूमिनियम या सिलिकॉन होगा. ये तो आप वैसे ही ऑप्शन डी तो काट चुके हो ना लाइक, तो ऑप्शन बी भी करिए. बस आंसर सामने आ गया आपके लाइक, आप चेक करो थर्ड स्टेटमेंट लाइक. इसको इस तरह ही अप्रोच करोगे यार, समझ आएगा. और अगेन देखो यार, वो जो याद है हम बोल रहे थे हमने लास्ट पेपर्स में सब में किया था, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 24-25 तक इनऑर्गेनिक होती है. अगर आपको यहाँ से ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत टफ हो गया बल्कि यहाँ से यहाँ, तो आप छोड़ देना ना 17 से 24 भाई, आप जो 25 साल पहले ऑर्गेनिक सॉल्व कर लेना फिर आगे सॉल्व कर लेना, आपकी मर्जी है. आपको अगर मुश्किल लगता है, आई पर्सनली लव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज दे आर लाइक, वो नहीं होते वो माइंड ट्विस्टर जो होते हैं, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर वो हुआ फिर ये हुआ. तो आपको अगर पसंद है तो आप पहले कर लेना, नहीं पसंद कोई बात नहीं, एंड में कर लेना नहीं. अब जो लास्ट स्टेटमेंट ये ना आपके पास, उससे आप अपना आंसर शॉर्ट लिस्ट कर लोगे. द ऑक्साइड ऑफ वाई डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन विच डिजॉल्व्स द ऑक्साइड ऑफ एक्स. अब देखो जब ये डिजॉल्व करेगा फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, करेक्ट. और फॉस्फोरिक एसिड जो होगा वो एसिडिक क्या नाम है सोल्यूशन है ना, तो वो जब आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करोगे जो कि खुद भी क्या नाम है एसिडिक होता है, तो आपके पास कोई रिएक्शन नहीं आएगा लाइक, इट विल नॉट बी एबल टू डिजॉल्व द ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन लाइक. फॉस्फोरिक एसिड में सिलिकॉन ऑक्साइड डिजॉल्व नहीं करेगा याद रखो, बिकॉज सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है उसकी अपनी नेचर भी क्या होती है, एसिडिक होती है, एसिडिक ऑक्साइड होता है ना, ऐसा SiO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड लाइक. आपके पास सिर्फ यही दिया जाएगा, सोडियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक होता है, एल्यूमिनियम जो होता है वो आपको पता है एम्फोटेरिक होता है, तो सोडियम ऑक्साइड विल बी एबल टू वॉट विल बी एबल टू क्या नाम है डिजॉल्व द ऑक्साइड ऑफ एक्स इन दिस केस, एंड देयरफॉर ऑप्शन ए विल बिकम व्हाट विल बिकम योर राइट आंसर इन दिस केस, ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हिच रो डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ SiO2 एंड SiCl4. तो आप स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग बताना है, तो रट्टे का सवाल है. SiO2 के अंदर आपके पास जॉइंट स्ट्रक्चर होगा, यू नो दैट, सभी जॉइंट दिए हैं यार लाइक, कोई फायदा नहीं है. और जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट होगी, तो आप ये शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो कि सी और डी आपका आउट हो जाएगा लाइक. जो SiCl4 होगा दैट विल बी सिंपल कोवेलेंट, जो आपको यहाँ ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, एंड दैट विल बिकम योर राइट आंसर इन दिस केस लाइक, ठीक है.